बता रहा है, गांवों से निकलने वाले एग्री वेस्ट के साथ ही शहरों के म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से भी सीबीजी का प्रोडक्शन उनके लिए बेहतरीन मौका है। प्राइवेट सेक्टर को उत्साहित करने के लिए सरकार टैक्स में छूट के साथ ही आर्थिक मदद भी दे रही है। साथियों, भारत की व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा है। व्हीकल स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस बजट में 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आने वाले कुछ महीनों में केंद्र और राज्य सरकार की करीब करीब 3 लाख गाड़ियों को स्क्रैप किया जाना है। ये गाड़ियां 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। इनमें पुलिस जिन व्हीकल्स का उपयोग करती है वो गाड़ियां हैं, खास करके हमारे हॉस्पिटल्स में जो एम्बुलेंस हैं, हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो बसेस हैं। व्हीकल स्क्रैपिंग आप सभी के लिए बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। ये रीयूज, रीसाइकल और रिकवरी के सिद्धांत पर चलते हुए हमारी सर्कुलर इकोनॉमी को भी नई ताकत देगा। मैं भारत के नौजवानों को, हमारे स्टार्टअप्स को सर्कुलर इकोनॉमी के विभिन्न माध्यमों से जुड़ने का भी आग्रह करूंगा। फ्रेंड्स, भारत को अगले 6-7 साल में अपनी बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाकर 125 गीगावाट आवर्स करना है। ये लक्ष्य जितना बड़ा है उतना ही आपके लिए इसमें नई संभावनाएं बन रही है। इसे हासिल करने के लिए लाखों करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है। बैटरी डेवलपर्स को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने इस बजट में वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की भी घोषणा की है। फ्रेंड्स, भारत में वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें आने वाले दिनों में बहुत तेजी आने वाली है। आज भारत अपने कोस्टल रूट के जरिए सिर्फ 5% कार्गो का ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरह इनलैंड वाटरवेज के जरिए सिर्फ 2% कार्गो भारत में ट्रांसपोर्ट होता है। जिस तरह भारत में वाटरवेज का निर्माण हो रहा है, उसमें इस क्षेत्र में आप सभी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बन रही है। साथियों, भारत ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी में दुनिया में लीड ले सकता है। ये भारत में ग्रीन जॉब्स को बढ़ाने के साथ ही ग्लोबल गुड में भी बहुत मदद करेगा। ये बजट आपके लिए एक अवसर तो है ही, इसमें आपके भविष्य की सुरक्षा गारंटी भी समाहित है। बजट के हर प्रावधान को अमल में लाने के लिए हमें तेजी से काम करना है, मिलकर के काम करना है। आप सभी आज के इस वेबिनार में बहुत गंभीरता से चर्चाएं करेंगे। ये बजट पर की चर्चा, बजट में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, इसके संदर्भ में नहीं है। अब बजट आ चुका है, संसद में ऑलरेडी पेश हो चुका है। अब हम सब ने मिलकर के, सरकार ने और देशवासियों ने मिलकर के इस बजट की एक एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे लागू करें,
नए नए इनोवेशंस कैसे करें, देश में ग्रीन ग्रोथ को हम कैसे सुनिश्चित करें, आप आपकी टीम इसके लिए आगे आए, सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ चलने के लिए तैयार है। मैं फिर एक बार इस वेबिनार के लिए समय निकालने के लिए आप सभी निवेशकों का, स्टार्टअप वर्ल्ड के जवानों का, एग्रीकल्चर फील्ड के लोगों का, एक्सपर्ट्स का, एकेडमिशियंस का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस वेबिनार की सफलता के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत